नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है किसान बयान और घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से किसान को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। किसानों को लेकर सीएम और पूर्व सीएम में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या इस जुबानी जंग से किसानों को कोई लाभ मिलेगा या बयानबाजी सिर्फ सियासी है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे प्रतिद्वंदी को घेरा जा सके। इसका ही उदाहरण है कि आज एक बार फिर से किसानों को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। सियासत गांव गरीब के बाद अब किसानों पर आ टिकी है। मध्य प्रदेश के किसानों के आय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। दरअसल सीएम ने सोमवार को रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो गई है। रीवा में गेहूं का उत्पादन 35% बढ़ गया है। इस बयान पर ही कमलनाथ ने सवाल, किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया आपने, किसानों का MSP पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया आपने, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया आपने, किसानों को बिजली महंगी कर दी आपने, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। वही इस सब बयान के बाद सीएम शिवराज ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वे तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूँ। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख ले। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया। मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। बहरहाल अब मध्य प्रदेश में फिलहाल सियासी पारा गर्म है। सियासत का केंद्र बिंदु एक बार फिर से अन्नदाता बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ की ये बयानबाजी आखिर कितने आगे जाती है और बयानबाजी से किसानों की कितनी हालत सुधरेगी, या फिर दोनों ही दलों के जरिए चुनावी माइलेज के लिए ये बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो किसानों की आय दोगुनी पर सियासी पारा जो है वो गर्म हो गया है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता आप अजय हुंका जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी के पास। शहरयार खान जी, एक तरफ सीएम शिवराज चौहान जी कह रहे हैं कि जो किसानों की आय है वो दोगुनी हुई है, लेकिन वहीं यदि बात करें पूर्व सीएम कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आय नहीं हाय दोगुनी हुई है। उसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती से क्या वास्ता कमलनाथ जी का। देखिए, हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने तो अब अति कर दी है मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जो उनकी चलाचली की बेला है उसमें इतना अति उत्साह में उन्होंने झूठ बोला, किसानों की आय दुगनी से अधिक बोल दिया, जिसके कि प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में और देश में किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। बात करें जब मध्य प्रदेश की 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, हमने जो वचन पत्र में जय किसान ऋण माफ़ी की घोषणा करी थी, उसमें जो हमने 26 लाख किसानों का ऋण माफ़ करा, उसके प्रमाण इसी शिवराज सरकार ने खुद स्वीकार करा। उसमें शिवराज जी के परिवार के लोगों के कर्ज माफ़ हुए थे, कमल पटेल कृषि मंत्री के परिवार के लोगों के कर्ज माफ़ हुए थे और मध्य प्रदेश के 25,99,000 किसानों के ऋण माफी का डॉक्यूमेंट विधानसभा के पटल पर शिवराज सरकार ने ही हमारी सरकार गिराने के बाद रखा था। तो ये झुटला दे कि अगर नहीं हुए हैं। दूसरी बात, आपने 2008, 2013, 2018 के अपने भाजपा के घोषणा पत्र में मात्र 50,000 रुपये किसानों की ऋण माफ़ी के वादे करे जो झूठे साबित हुए। तो आपका चाल चरित चेहरा मध्य प्रदेश के किसान लगातार देख रहे हैं। आप अपने को किसान पुत्र बोलते हैं लेकिन किसानों के ऊपर कुठाराघात करते हैं। आपने लगभग 34 लाख किसानों को डिफॉल्ट कर दिया जे किसान ऋण माफ़ी में, जिनके कर्ज माफ़ हुए थे उन
से आपने वसूली के, उनको डॉक्यूमेंट दिए और उनसे वसूली के लिए आपने अति तो जब कर दी, जब उन किसानों को आपने बिजली के बिल के नाम पर जेलों में डालने का काम करा। आप बोलते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, आप एक तो प्रमाण दें कि मध्य प्रदेश के किसानों का आपने क्या हित किया है। अब आप बोलेंगे कि यूपीए की सरकार में किसानों को कर्मठ अवार्ड मिला, किसान कृषि कर्मठ अवार्ड मिला, तो उसमें भी बाद में जो ये सरकार की पोल खुली, इन्होंने झूठे दस्तावेज देके यूपीए की सरकार से अपने को अवार्ड दिलवाने का काम करा। तो इनका चाल चरित चेहरा टोटल झूठ पे बेस्ड है। और हम तो ये बोल रहे हैं कि आप वो वाला बताइए कि आप बोल रहे हैं कि सरसों 35 गुना 4.5 गुना गेहूं, कौन सा रिपोर्ट है जिसमें ये प्रमाण मिल रहे हैं? आप रखिए तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने। सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने के लिए, आपको मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों के साथ फिर से छलावा करने का आपने काम करा। और आपने 19 साल में किसानों के हित में क्या कार्य किए वो आप बता दें। किसान के सीने पे आपने गोली मारने का काम करा, किसानों को आपने जेल में डालने का काम करा, तो ये आपकी यूएसपी है किसान विरोधी होने की। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी भी जुड़ गए हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि झूठ की मशीन है शिवराज चौहान, और वहीं पर यदि बात करें शहरयार खान जी भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दिए हैं। आय दोगुनी नहीं हुई है, हाय दोगुनी हुई है, कमलनाथ जी कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, पहले ये कहूं कि कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं और शहरयार खान जी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरयार खान जी ये बोल रहे हैं कि जी मैंने सुन लिया जी वो दोनों चीजें मध्य प्रदेश की जनता और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ना तो गांव देखा है ना खेत देखा है, ना गांव की परिस्थितियों में परिवर्तन देखा है ना खेत की स्थितियों में परिवर्तन देखा है। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन गुणात्मक रूप से बढ़ा है, धनात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से बढ़ा है, मल्टीपल रूप टाइप में बढ़ा है। दूसरी बात, हम सोया स्टेट थे 2003 में भी और आज भी हम देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करते हैं, परंतु जहां 2003 तक मध्य प्रदेश में धान की फसल लगभग शून्य के स्थिति में थी, लगभग बहुत कम उत्पादन था, आज हम पूरे भारत में तो छोड़िए आप पूरे विश्व में, भारत के बाहर भी मध्य प्रदेश से बासमती चावल भेज पा रहे हैं। मैं सौभाग्य से उस क्षेत्र में रहता हूं जहां से बासमती चावल भेजा जा रहा है। तीसरी बात मैं आपको कि जब हमने किसानों को बिजली उपलब्ध कराई है, हमने उन्हें अंधकार में नहीं रखा है। एक समय वो था मध्य प्रदेश में 2003 तक जब मध्य प्रदेश में किसानों को एक पानी देने के लिए पानी नहीं मिलता था, और आज 2023 में जब मैं और आप संवाद कर रहे हैं तब मध्य प्रदेश के किसानों को पूरी गर्मी 15 अप्रैल को बोकर 15 जून को काटकर बेचने वाली मूंग की फसल का उत्पादन अगर मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान की आय दोगुनी हुई है। क्योंकि किसान को 17% ब्याज दर पर ऋण मिलता था, आप याद कर लीजिए 2003 को, आज 0% ब्याज दर पर हम किसान को ऋण दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी आय दुगनी हुई है। भारत सरकार 6,000 रुपए प्रति किसान उसके खाते में प्रतिवर्ष दे रही है, 2,000 की 3 किस्तों में, और मध्य प्रदेश की शिवराज जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2,000 की 2 किस्त 4,000 रुपए अलग से देने का काम कर रही है, यानी प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष हम अलग देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान की आय दुगनी हुई है। हाँ कमलनाथ जी, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या परिवर्तन इन 17-18 वर्षों में मध्य प्रदेश के गांव में आया है, मध्य प्रदेश के खेतों में आया है। जहां आपने स्वयं अगर कभी मध्य प्रदेश का दौरा किया हो तो आप भी ये बात को प्रमाणित करेंगी कि मध्य प्रदेश में मार्च के बाद से लेकर जुलाई तक खेत खाली दिखाई दिया करते थे, काले दिखाई दिया करते थे। आज मेरे मध्य प्रदेश में अप्रैल से लेकर आप जुलाई तक कभी भी चले जाइए, मध्य प्रदेश के खेतों में हरियाली दिखाई देगी। ये हमने बिजली की उपलब्धता है, ये 7.5 लाख हेक्टेयर के सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर करने का परिणाम है, और वो परिणाम के कारण दुगुना नहीं हुआ, सुन लीजिए, दुगुना नहीं हुआ, कई गुना बढ़ा है एक बार, परंतु जो दुगुना करने की बात हम करते हैं वो केवल एक बार दुगुना करना नहीं है,
ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ठीक है, एक बार दुगना करेंगे 75 वर्ष में आएंगे नहीं, हमें हर 8-10 सालों में दुगना करना पड़ेगा। आएंगे आपके पास, अक्षर जी के पास चलते हैं। अक्षर जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक सी बात है, चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी बातों से जनता को भ्रमित करने का जैसा वो लगातार प्रयास करते रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर से उसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो अभी बीजेपी के ब्रजगोपाल जी भी कह रहे थे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, कांग्रेस कह रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो हर समय जो सरकार में और जो सरकार में नहीं है उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बोलते रहे। मुद्दे की बात यह है कि आज़ादी को हो गए हैं 75 साल, मुद्दे की बात यह है कि 20 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोटी मोटी सरकार चल रही है, उसके पहले 50 साल कांग्रेस की मोटा मोटा सरकार रही है। उसके बाद भी किसान गरीब है कि नहीं है इस बात पर रोज डिबेट हो रही होती है। आप इस मुद्दे को समझिए, किसी के पास में 75 साल, 50 साल, 25 साल तक शासन करने को मिला किन्हीं सरकारों को, उसके बाद भी डिबेट इस बात पर आज भी हो रही है देश के अंदर कि क्या किसान गरीब है कि अमीर है, क्या किसान अमीर बन पा रहा है, क्या किसान ढंग से जीवन यापन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये डिबेट खुद बताती है कि किसानों की हालत कैसी है। अब मैं पहले शहरयार जी की बात को बता दूं, इन्होंने बड़े मजे से कहा कि हमने लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया और ये किया और वो किया और विधानसभा पटल पर शिवराज सरकार ने ऐसा रखा। आपको उसकी डिटेलिंग पता है, उसमें डिटेलिंग में क्या हुआ था? वो किसान जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर इतने गरीब हो गए थे कि जो पैसे दे ही नहीं पा रहे थे, जिनके सामान कुर्क होने लग गए थे, जिनके पैसे जिन्होंने मना ही करते कि हम पैसे दे ही नहीं सकते, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो एनपीए जैसी हालत उसकी हो गई थी, उनके 90% पैसे उनके वापस हुए जो बैंकों को भी पता था कि कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप टेक्निकलिटी समझिए कि आपने बोल तो दिया कि हमने इतने लाख लोगों का कर्जा वापस किया, पर वो कर्जा तो 20 साल से मिल ही नहीं रहा था, तो मिल ही नहीं रहा था और वापस कर दिया, उसको माफ कर दिया, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। जिनको एक्चुअली पे करना था उसमें कोई 10% लोग भी नहीं थे जिनको माफ किया गया। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो क्या होता है कि आप जब मीडिया में बयानबाजी कर रहे होते तो इधर उधर से घुमा करके बातों को रख देते हैं अपन कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता कह रहे थे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार किसानी को लेकर के हर थोड़े समय में दोगुना बढ़ाना है, हर समय में दोगुना बढ़ाना है। शहर में जो आपकी एवरेज इनकम बढ़ी है और गांव के लोगों की जो आपकी एवरेज इनकम बढ़ी है उसमें कोई फर्क है या नहीं है? उस ग्रोथ रेट को अगर आप देखोगे तो देखिए बहुत साधारण सी बात है, अगर किसानी मुनाफे का सौदा आज भी होती, किसानी में बढ़ रही होती चीजें, तो लोग गांव छोड़ करके शहर नहीं आ रहे होते। सबको पता है कि गांव का जीवन ज्यादा बेहतर होता है, स्वास्थ्य के हिसाब से, रहने के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से, सबको गांव में रहना अच्छा लगता है, पर आपको शहर आना पड़ता है, गांव को छोड़ना पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये साफ सी बात है कि ये गड़बड़ उनके एंड पर हो रही है, उन लोगों ने लगातार इस प्रकार की गलतियां की। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बताना, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, दिल्ली मोटे तौर पे शहरी इलाका है लेकिन उसके भी बाउंड्रीज में चारों तरफ में किसानी का एरिया है। पहली बार जब दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उस दिन से हम लगातार 20,000 रुपए एकड़ 50 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानी में दे रहे हैं, ठीक है, जो आज भी देश में सबसे ज्यादा है, जो आज भी पांडे मैडम देश में सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, जैसे ही पंजाब की सरकार बनी आपने देखो हमने किसान आपके पास जी ब्रजगोपाल लोहिया जी आपके पास भी आएंगे, शाहजहां खान जी आपकी कैसे कुछ प्रतिक्रिया? देखिए मेरे मित्र लोया जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केंद्र ने एक कृषि समिति बनाई थी और वो मोदी जी की सरकार ने ही बनाई है 2022 में, 22 मार्च 2022 को उस समिति ने जो संसद में रिपोर्ट पेश करी है उसके आंकड़े बताते हैं कि जो किसानों की प्रतिवर्ष आय थी अगर इतना ही मध्य प्रदेश में 19 साल में विकास किसानों का हो रहा था, जैसे कि लोया जी बता रहे हैं बिल्कुल हरियाली आ गई है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो गया है, जो जो इनके छलावे वाले नारे हैं उसके अनुसार 9,740 रुपये प्रतिवर्ष जो किसानों की आय थी 2022 से पहले वो घटकर 8,339 रुपये यानी कि 1,401 रुपये इस एक साल में किसानों की आय घटी है। अगर इतना ही विकास हुआ, इतनी ही कृषि की जीडीपी बढ़ी, इतना ही मध्य प्रदेश में आय जो उत्पादन है वो 35-35 गुना बढ़ा है और कौन सा बीज है, कौन सी रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश के सामने पेश नहीं करी, सिर्फ लच्छेदार बातें जो कि शिवराज जी का चरित्र है झूठ बोलना, वो उसमें विकास अगर है तो निश्चित ही भाजपा के नेताओं का विकास है। विकास कहीं है
तो भाजपा के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी का विकास है। मुख्यमंत्री जी आज अपना एसेट्स बता दें जो 2005 में बनने से पहले था, तो मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने का किसी ने काम करा तो वो शिवराज सरकार ने करा। और जो ये मेरे मित्र अजय जी बोल रहे हैं, अभी 2015 में इनका उदय हुआ, ये बता दें, जो बोल रहे हैं दिल्ली के बाउंड्री पे किसानों को 20,000 प्रति एकड़ दे रहे हैं, कब कितना क्या दिया है उसके आंकड़े पेश कर दें। देश को गुमराह करने की बहुत राजनीति हो गई, आरोप लगाइए, आरोप लगाइए, गलत बात नहीं होगी, गलत बात नहीं होगी, गलत बात नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बेकार की बात करूंगा नहीं, मैं अरे बताइए, मतलब क्या अभी कंप्यूटर खोल लो, अभी मैं झूठ भी नहीं सुनूंगा, मैं झूठ माफ करा, अरे कैसे नहीं, अरे झूठ बोल रहा है केजरीवाल, फिर माफी मांग ले, ये चाल चरित चेहरा है केजरीवाल का। सुनिए बड़ी बड़ी बात है, आपके वो नेता जी किसानों का पंजाब में सब बता रहा हूँ, सुनोगे तब तो बताऊंगा ना, मत प्रदेश की बात ऐसे नहीं होगा, प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश की जनता नहीं होगा, मैं 2018 में भी आपको जमाने से जब्त करा दिए, जमीन खसक गई है 18 में, बताइए ना, मध्य प्रदेश में जितने लड़ाई थे सबकी जमीन खिसक गई, चेहरे पर जो डर है वो दिख रहा है, डर आज केजरीवाल को है, जेल जाने का डर, पंजाब में डर, अरे हम आपके जेल में बैठे, ये आपका दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, पंजाब को लूटने का काम कर रहे हैं, अरे मेरे को ये बताइए, कमलनाथ जी जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने कोई उनके पास किया, अरे सिसोदिया ना दिया ना, अरे किसी से तमीज से नाम लेना सीखो, चेहरे पर सिसोदिया ने क्या ये क्या बदतमीजी है, अरे तमीज से नाम लिया करो लोगों के, सब नेता है, सब काम कर रहे हैं ना, किसको कैसे बताया वो सब जानते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसे चुप नहीं होऊंगा, मैं ऐसे चुप नहीं होऊंगा, गलत बात को मैं लगातार नहीं सुनूंगा, पंजाब मत जाइए, मध्य प्रदेश में रहिए, दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज, देखिए प्रदेश से बाहर मत जाइए, बात हो रही है मध्य प्रदेश के किसानों की, बात हो रही है केजरीवाल तक, पंजाब तक मत जाइए, मुद्दा जो है मुद्दा 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 में जाइए, जो चरित्र बताइए लोगों को, बताइए कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और उसको देखा देखिए, आपने आपने जो घोषणाएं करी वो पंजाब में आज भी किसान घोषणा नहीं कर, अरे मध्य प्रदेश में तुम्हारे टाइम पर कितने एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश करो आंकड़ों के साथ बात करो, आंकड़ों के तुम्हारे तुम्हारे ये दिख रहा है, आप चरित्र दिख रहा है, कितने पढ़े लिखे पार्टी के लोग दिख रहे हैं, मर्यादा का मर्यादा बना रखिए, बगैर फैक्ट के कभी बात करते हैं। ब्रजगोपाल जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं आपको कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे शहरयार खान जी कौन सी रिपोर्ट पढ़ के आए नहीं मालूम, मगर शायद आपको ये तो मालूम है, मैं बताऊंगा आपको, मैं तो चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ, केंद्र की जो सरकार है उसने एक समिति बनाई, आपको ये नहीं मालूम है, अभी आपकी बात हुई थी ना जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास मैं पहले एक बात आपको बता दूं, मेरे चरित्र में नहीं है कि कोई दूसरा बोले उसके बीच में मैं, परंतु मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि आप बोले, जी प्लीज कंटिन्यू, मैं बोल रही हूँ जी, प्लीज कंटिन्यू, आप पुष्टि करें इस बात की पहले तो हाँ या ना, जी बिल्कुल खान साहब, आपकी बारी आएगी तब आप बोलेगा, अच्छा जी आपकी बारी आएगी तब आप बोलेगा, बहुत कम समय होता है, समय का अभाव होता है, मध्य प्रदेश के जी मध्य प्रदेश के किसान जी 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 मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपए प्रति वर्ष तो सरकार दे ही रही है, अब ये कौन सी रिपोर्ट रखे 8,700 की मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, किसान को चाहिए क्या, किसान को चाहिए आसान कर्ज, किसान को चाहिए सिंचाई के लिए पानी, किसान को चाहिए अपनी मोटर चलाने के लिए बिजली, किसान को चाहिए उचित समय पर खाद और कीटनाशक दवाएं, किसान को चाहिए कि उसकी उपज को एमएसपी पर खरीदा जाए, ये सब काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इससे बड़ी बात मैं एक आपसे कहता हूं, 70 वर्षों में देश में कभी किसान राजनीति के केंद्र में नहीं रहा, कोई भी पार्टी इस बात को कहे, कांग्रेस पार्टी कहे, आज हम घर के साथ
पूर्व सीएम कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि पहले की तुलना किसानों की जो आमदनी है वो कम हुई है, हाहाकार मचा हुआ है किसानों में, ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपसे फिर कहता हूँ आज के 20 वर्ष पूर्व किसी भी गांव में आप चले जाइए और 20 वर्ष से ज्यादा पुराने व्यक्ति से पूछ लीजिए किसी गांव के वातावरण क्या थे, ना वहां सड़कें थी, ना वहां बिजली थी, ना वहां वाहन हुआ करता था, दो पहिया वाहन तक नहीं हुआ करता था। आज मेरे मध्य प्रदेश के किसानों के पास चार पहिया वाहन है, वो भी स्कॉर्पियो से चलता है, उसके पास भी ट्रैक्टर है। और एक बात और बताऊं, मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम कृषि आधारित राज्य हैं। यदि 21,000 करोड़ से बढ़कर 3,14,000 करोड़ की आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है तो मध्य प्रदेश के किसानों की दम से है। अगर 2020 और 2021 के लॉकडाउन में मध्य प्रदेश की जीडीपी और इकोनॉमी नहीं गिरी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मध्य प्रदेश के किसानों का है, जिन्होंने उस वर्ष भी कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दिलाया जब पूरा देश लॉकडाउन में था। कारण क्या था? कारण वही था कि सरकार की मंशा साफ है, सरकार काम कर रही है और सरकार उन्हें साथ लेकर चल रही है, हमने उनके जीवन स्तर को बदला है। ये लोग केवल आंकड़े, ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, ये दोनों किस तरह लड़ते हैं आपने देख लिया, क्योंकि कागज की बातें करने वाले हमेशा इसी तरह लड़ेंगे। हम बात करते हैं ग्राउंड फैक्ट की, हम एसी ऑफिस में बैठकर डिबेट करने वाले लोग नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो दिन रात किसान के साथ भी है, गांव में भी है और सड़क पर भी है और किसान के खेत में। अक्षर जी के पास ये जो मानसिकता है कमरे में बैठकर किसान की चिंता करने की, इसे बंद करिए, ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। सच की बात करिए, खेत पर आइए और खेत में किसान के साथ खड़े होकर किसान के हित की बात करिए। ठीक है अक्षर जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लोधा साहब हैं वो लगातार एक बात को बोल रहे हैं कि 20 साल पहले ऐसा होता था, 20 साल पहले वैसा होता था। मुझे लगता है कि समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि 20 साल पहले हमेशा जीवन में, हमेशा 20 साल में प्रगति होगी, आज जो भी हुआ 20 साल बाद में उससे बहुत आगे बढ़ चुका होगा। वो आप 1983 से 2003 देख लीजिए, 2003 से 23 देख लीजिए, 23 से 43 देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन ही आप गलत सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 साल पहले ऐसा होता था। भाई 20 साल पहले तो पूरे मतलब बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास कार नहीं होती थी, 20 साल पहले 2003 में तो बहुत रेयर लोगों के पास कारें हुआ करती थी, 1983 में तो किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, तो ये कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। देखिए मोटी बात क्या है कि जब आप कहते हैं कि सर देखिए मोदी जी, आपने तो बोल लिया, आप थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को लाइनों में लगकर डीएपी और खाद के लिए इंतजार करना पड़ता है गर्मियों के समय पर लगातार, और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो टीवी में दिखता है आपके, आप ही लोगों की टीवी डिबेट्स में और चैनलों पे लगातार आप दिखते रहते हैं, ये देखिए हजारों की तादाद में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, वो सामान नहीं लोड हो रहा आदि आदि। अगर ऐसी स्थिति है तो इस बात की गंभीरता को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखाई जा रही है, कमी तो है जिसको तो आगे बढ़ाना है, जिसको तो सुधारने की जरूरत है। आप सुधार रहे हैं, कोई और सुधार रहा है, हम सुधार रहे हैं, कांग्रेस सुधार रही, वो एक अलग मुद्दा, पर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना कि कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है ये तो बहुत ही जाती है किसानों के। नहीं, हमने कभी, मुझे लगता है कि किसानों सुन ले, हमने कभी नहीं कहा कि आदर्श स्थितियां हैं, हमने ठीक है शाहरियार खान जी के पास चलते हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहता हूँ, सीएम कह रहे हैं कि धान का उत्पादन जो है 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया है। वही कविता जी, शिवराज जी की जो आदत है अभी 19 साल में मध्य प्रदेश में, 20 साल में जो देखी, सिर्फ झूठ परोसना, और उसी की वानगी है कि लगभग 32,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने तोहफे के तौर पे दी, लेकिन विकास के में भाग के 3-5 जहां खड़े थे वहीं आज किसानों की दयनीय स्थिति है। लेकिन सीएम शिवराज जी तो कह रहे हैं जलने वाले जले, हम विकास कार्य करेंगे, बिल्कुल जलने वाले कांग्रेस पर, हाँ वही किसान जले तो जले, हम तो विकास के नाम पे किसानों के खून पिएंगे, किसानों को लूटेंगे, किसानों के सीने में गोली मारेंगे। मेरे भाई बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि केंद्र की सरकार 6,000 रुपए दे रही है, 4,000 रुपए राज्य की सरकार दे रही है, 10,000 रुपए। भाई किसानों को ये सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसानों को अपनी उत्पादन फसल का पैसा चाहिए, दुगना जो आप बोल रहे हो दुगना से अधिक। अरे आप बीच में, आप बीच में कड़वा है ना, सच है कड़वा नहीं, आप बीच में नहीं बोलिए, मुझे नहीं बोलिए, आपके संस्कार अभी आप किनारा थे, आप ये संस्कार है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुनना भी आना चाहिए, जब सच्चाई मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ रही है तो आपको सुनना भी आना चाहिए। इसी सरकार ने 34,00,000 किसानों को डिफॉल्टर घोषित करा, बीच में भी कोई बोलेगा, चौहान जो ढोंग करते हैं मध्य प्रदेश की जनता को
बखूबी मालूम है। अगर आपका किसान किसान बिजली के बिल के नाम छाप गुंडों की भाषा शब्दों की मर्यादा का नाम सम्मान बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा सच्चाई सच्चाई के साथ सुनना सीखिए। अरे सच्चाई ये अपने टाइम पे बोलने के बाद प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई जा रही है किसानों की तो इंटरव्यू करेंगे सच्चाई है किसानों की मुख्यमंत्री के बारे में सम्मान पूर्वक बात करिए सम्मान पूर्वक। मैंने किसी कांग्रेस नेता के प्रति अपमान पूर्वक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया इनके ऊपर जिम्मेवार है सम्मान दें जी प्लीज इंटरप्रेट कीजिए आएंगे आपके पास बहुत कम समय है जी जल्दी से। ये सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है किसान विरोधी है इसके कई प्रमाण इस 19 साल में देखे। मंदसौर कांड मध्य प्रदेश नहीं भूला 2018 का 6 किसान शहीद हुए। ये किसान पुत्र अपने को बोलते थे किसानों के विकास के कोई काम नहीं करे वो उल्टा जो झूठ परोस रहे हैं और जो किसानों पे गोली चला रहे हैं किसानों को शोषण कर रहे हैं। ये सरकार बताए कि आपने अपने घोषणा पत्र में मात्र 3 बार 50,000 का किसानों का ऋण माफ की बात करी थी वो क्यों पूरा नहीं हुआ। सीधी सी बात हमने जो जय किसान ऋण माफी में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज बोले माफ करने का बोला था तो 13 महीने 11.5 महीने कमलनाथ जी को मिले आचार संहिता में चले गए बाकी पाए तो उसमें हमने 26 लाख किसान जिसमें शिवराज सिंह चौहान का परिवार है कृषि मंत्री कमल पटेल का परिवार है तो हमारी नीति और नियत साफ है कि हमने किसानों के हित में काम करा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार दोनों को मध्य प्रदेश की जनता ने मौके दिए किसानों ने स्वाभाविक सी बात है मौके दिए तो किसानों ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में 70% तो किसान या किसान आधारित चीजें चल रही है लेकिन अगर 70 सालों के बाद में दोनों पार्टियों को बहुत सारा समय देने के बाद भी अगर ऐसे हैं तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताता है कि चिंता का विषय है मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक समस्या का कारण है और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी समस्याओं का निदान होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ भी लोग बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो टोटल ग्रोथ हुई है पिछले 70 सालों में दुनिया ही बदल जाएगी। लास्ट कॉमेंट लोया जी से लास्ट कॉमेंट जल्दी से। केवल इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों बदहाली पर रोने के बजाय उनकी मदद कीजिए। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। मदद हम नहीं कर रहे हैं खान साहब आपसे तो कोई इधर उधर की बात ना करिए बता कि काफला रुका क्यों इधर उधर की बात ना बता जनता को बता कि शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने का काम करा क्यों खान तुम भी कभी खेत नहीं गए। अरे आपसे ज्यादा खेती का अनुभव है मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत बड़ा किसान मत बताओ चलो मेरे पास मेरे साथ मेरे खेत पे निजी निजी लांछन लगाने से अच्छा है किसानों के शिवराज सिंह चौहान को ये झूठ नहीं परोसना पड़ेगा। किसान विरोधी चेहरा मध्य प्रदेश में देखा है। अरे बहुत ज्ञान ले लिया 19 साल में किसानों ने 2023 में शिवराज जी डोली डमक मुख्यमंत्री के बारे में वो नहीं चलेगा मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगा 2018 में भगा दिया था लेकिन ये चंदों के कंधे पे पिछले शिवराज सिंह चौहान आए माफी मांगे पैसे से सरकार बनाई। देश की जनता जानती है कि किस तरह आपने उसे ठगा लोया जी आपका बहुत धन्यवाद। शहजाद खान जी आपके बहुत धन्यवाद। अक्षय उनका जी आपके बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में फिलहाल सियासी पारा गर्म है और सियासत का केंद्र बिंदु एक बार फिर से किसान बन गया है। जी हाँ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हुई है वहीं पर पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।